हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द नेट सेट कुना यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज फिर से हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कौन सी ईयर का है देखिए, दिसंबर 2020 एंड जून 2021 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग ऑलरेडी चार पार्ट जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 80 तक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग अगर नहीं चेक किए हैं यानी नहीं देखे हैं तो उसका ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। और ये लास्ट पार्ट है, यहाँ पर देखिए लास्ट 20 क्वेश्चंस देखेंगे। और दोस्तों आपको मैं बता दूँ, जो भी स्टैट्स का क्वेश्चंस पूछा गया था पार्ट वन में, जैसे कि मीन पूछा गया था, मीन मीडियन देन आपका क्वार्टाइल वैल्यू, ये सब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, सॉल्व भी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग का जो वेबसाइट है geographerkonar.com, यहाँ पर आप लोगों का मॉक टेस्ट मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, पीओई क्विज मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पर यूनिट वाइज आपको ये मिल जाएगा मॉक टेस्ट, ओके। 10 यूनिट का मॉक टेस्ट मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है, ओके। उसका भी लिंक दे दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 81, इन 4 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, द स्टेज इन व्हिच बर्थ रेट कंटिन्यूज टू बी हाई बट डेथ रेट डिक्लाइंस रैपिडली। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है, यहाँ पर 4 स्टेजेस दिया गया है, 1, 2, 3, 4, देखिए यहाँ पर 1 है, 2, 3 और 4। तो इनमें से कौन सी स्टेज में आपका जो है बर्थ रेट हाई है, ठीक है, और डेथ रेट यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है, यानी लो है, ठीक है, लो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिए डेथ रेट जो है रैपिडली डिक्लाइन हुआ था स्टेजेस 2 में। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3 में स्टेजेस 2 है। तो और मैं आपको बता दूँ, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है दिए हैं थॉमसन जी ने, ठीक है, 1929 में दिए थे। देन इस थियोरी को रिवाइज किए थे नॉटस्टेन ने, वो देखिए 1945 में रिवाइज किए थे, 45 में। यहाँ पर देखिए, ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनता ही बनता है, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी दिए हैं W.S. थॉमसन जी ने और रिवाइज किए हैं फ्रैंक नॉटस्टेन ने, ठीक है। और ईयर भी याद रखिएगा, 1929 में दिया था, फिर रिवाइज हुआ था 1945 में। और बेस्ड किसके ऊपर है, देखिए फर्टिलिटी मोर्टिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंट चेंज इन पॉपुलेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में, वो 5 स्टेजेस, ठीक है। तो देखिए कौन सी स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेजेस तो जो था दोस्तों, वहाँ पर दोनों ही हाई था, डेथ रेट एंड बर्थ रेट दोनों ही हाई है। देखिए हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, यहाँ पर कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं था, नो मेडिकल फैसिलिटी, ओके। और सेकेंड स्टेजेस देखिए, हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट, यहाँ पर जो है मेडिकल फैसिलिटी इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, ये मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर जो है शुरू हुआ था, इसीलिए जो है यहाँ पर लोगों का जो है डेथ रेट यहाँ पर कम हुआ था, डिक्लाइन हुआ था रैपिडली, ठीक है। देन देखिए स्टेजेस 3 देखिए, डिक्लाइनिंग बर्थ रेट और स्टेबल डेथ रेट। और यहाँ पर देखिए डेथ रेट जो है स्टेबल हो गया है, और यहाँ पर बर्थ रेट जो हाई था यहाँ पर डिक्लाइन किया जा रहा था, ठीक है, स्टेजेस 3 में। स्टेजेस 4 में देखिए, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, यहाँ पर दोनों ही कम किया गया है। और लास्ट स्टेज में देखिए, वेरी लो बर्थ एंड लो डेथ रेट, ओके। तो यहाँ पर हम लोग 5 स्टेजेस देख लिए हैं, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो उससे पहले आप लोग ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो आपका फिगर है, ठीक है, आप लोग फिगर देख लीजिए, क्योंकि फिगर से भी आप लोग याद रख सकते हैं अच्छे से, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 82, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ कल्चरल चेंज। कल्चरल चेंज की कौन सी प्रोसेस नहीं है। तो कल्चरल चेंज की मेन 3 प्रोसेस हैं, ठीक है, थीके? एक तो है एकल्चुरेशन, ठीक है, एकल्चुरेशन, ये फर्स्ट वाला, ठीक है, एकल्चुरेशन हो गया। और सेकेंड स्टेजेस जो है वो है डिफ्यूज़न, ठीक है, डिफ्यूज़न। और थर्ड स्टेजेस जो है आपका इनोवेशन, ओके। लास्ट वाला जो है ये कल्चरल चेंज की प्रोसेस नहीं है, सेग्रीगेशन, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर नॉट पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओके। तो ये 3 प्रोसेस याद रखिएगा,
एकल्ट्रेशन वाला, डिफ्यूजन एंड इनोवेशन। ओके सो क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ लोड मूवमेंट ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन इन ओशियन। तो ओशियन में जो देखिए जो सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन होता है यानी लोड मूवमेंट होता है, ठीक है, उसका प्रोसेस क्या है बेसिकली। ठीक है, तो इनका जो फर्स्ट प्राइमरी जो प्रोसेस होता है डिफरेंट वेज होता है, उनमें से आता है ट्रैक्शन आता है, देन सॉल्टेशन आता है, देन टर्बुलेंट फ्लो यानी सस्पेंशन भी कह सकते हैं इसको, और इसके साथ जो है फ्लुकुलेट यहाँ पर है, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सोल्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर डी को छोड़ के देखिए कहाँ पर कौन सा, देखिए ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर, ए बी सी ओनली, ठीक है, डी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिए द प्राइमरी प्रोसेस ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट हैपेंस इन 4 वेज, देखिए 4 वेज में होता है, एक ट्रैक्शन होता है, सॉल्टेशन होता है, सस्पेंशन एंड सोल्यूशन, इन 4 प्रोसेस के थ्रू आपका सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होता है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सो क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पर देखिए, कंसिडर द स्टेटमेंट्स अबाउट करंट्स ऑफ इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन के करंट के बारे में पूछा गया है, तो हम लोग को करेक्ट जो स्टेटमेंट होगा वो सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दिया गया है, ये नंबर पे देखिए, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर द फॉर्मेशन ऑफ ओशियन करंट्स इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजिंग नेचर ऑफ मॉनसून विंड सिस्टम। तो दोस्तों ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मॉनसून सिस्टम से करंट जो है इन्फ्लुएंस होता है और चेंज भी होता है। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर हम लोगों को कैंसिल करना होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, देन देखते हैं आपका सोमाली करंट इज वार्म करंट ऑफ इंडियन ओशन, तो ये भी नहीं होगा, सोमाली करंट जो है कोल्ड करंट है, ये नहीं होगा। ठीक है, बी वाला कैंसिल हो गया। देन देखिए सोमाली करंट इज द कोल्ड करंट ऑफ इंडियन ओशियन, तो ये सही है। ठीक है, हम लोग को ये करेक्ट मिला है। देन देखिए पेरू करंट इज ए कोल्ड करंट ऑफ इंडियन ओशियन, तो पेरू करंट ये आपका तो पैसिफिक का है। ठीक है, ये नहीं होगा, पैसिफिक ओशियन का कोल्ड करंट है, इसको हम्बोल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, यानी पेरू करंट को हम्बोल्ट करंट भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट में हम लोग को 3 जो है कैंसिल हो गया है, एक करेक्ट मिला है और एक देख लेते हैं लास्ट बाकी है जो है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ऑफ इंडियन ओशियन डिसअपीयर्स इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सेप्टेम्बर। तो दोस्तों ये सही मिला है। ठीक है, हम लोग को सी एंड ई वाला जो स्टेटमेंट है सही मिला है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। ज्योग्राफी इन 17 वॉल्यूम्स वाज ऑथर्ड बाय, इसका आंसर हो जाएगा स्ट्राबो। इस बुक जो है ज्योग्राफी का नाम से भी जाना जाता है, जियोग्राफी का, ठीक है, जियोग्राफी का। ठीक है, यहाँ पर 17 वॉल्यूम इस बुक में है। ठीक है, याद रखिएगा, बाय स्ट्राबो। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन एसोसिएटेड विथ जीआईएस। तो इस जीआईएस से रिलेटेड जो है यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इनकरेक्ट वाला। ठीक है, सो देखते हैं क्या दिया गया है, और फर्स्ट देख लीजिए ये, एंड डेटा फ्रॉम सेवरल सोर्सेज इज इंटीग्रेटेड इन कॉन्सिस्टेंट फॉर्म, तो ये सही है। व्हाट इफ सिनेरियोज कैन बी विजुअलाइज्ड, ये भी सही है, विजुअलाइज किया जाता है। देन देखिए इन वेक्टर डेटाबेस मैप डेटा इज स्टोर्ड यूजिंग मैट्रिक ऑफ ग्रिड सेल्स, ये इनकरेक्ट मिला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाइन्स पॉलीगन से हम लोगों को जो है यहाँ पर डेटा को यानी स्टोर करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ पर ग्रिड, यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स ऑफ ग्रिड सेल्स जो है ये आपका होता है रास्टर डेटा में। ठीक है, रास्टर डेटा में, ये वेक्टर डेटा में नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर वेक्टर डेटाबेस दिया गया है, ये रास्टर का है करेक्टरिस्टिक्स, तो ये इनकरेक्ट मिला है हम लोगों को, सी वाला। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए 3 में सी वाली है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। और डी देख लेते क्या है, एट्रीब्यूट डेटा और डिस्क्रिप्टिव डेटा फीचर्स, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाली। याद रखिएगा वेक्टर डेटाबेस में आपका लाइंस पॉलीगन्स वगैरह होता है, पॉइंट लाइंस पॉलीगन्स, लेकिन ये जो मैट्रिक्स वगैरह होता है मैट्रिक्स ऑफ ग्रिड सेल्स, ये होता है रास्टर डेटा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87,
सो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई द क्रायोजेनिक इंडिकेटर्स ऑफ प्लेयोक्लाइमेटिक्स। तो प्लेयोक्लाइमेट्स की यहाँ पर क्रायोजेनिक इंडिकेटर्स दिए गए। क्रायोजेनिक क्या है दोस्तों, ये दोस्तों आइस से रिलेटेड है, ठीक है, आइस कह सकते हैं या फ्रोस्ट कह सकते हैं, ठीक है, जिस रीजन में आपका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है वहाँ पर दोस्तों क्रायोजेनिक स्टडी किया जाता है, ठीक है। क्रायोजेनिक मतलब ही वह है दोस्तों, साइंस ऑफ एड्रेसिंग द प्रोडक्शन एंड इफेक्ट्स ऑफ वेरी लो टेम्परेचर्स, ठीक है, यहाँ पर वेरी लो टेम्परेचर्स की जो है स्टडी किया जाता है, ओके। और बेसिकली याद रखिएगा क्रायोजेनिक एसोसिएटेड है बर्फ से, ठीक है, आइस कह सकते हैं या फ्रोस्ट कह सकते हैं, याद रखिएगा, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, ओके। आई होप कि आपको ये समझ में आया। देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं इस बार, तो यहाँ पर देखिए एवापोरेट डिपॉजिट, तो ये तो नहीं होगा, एवापोरेट तो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। बी देखिए आइस कोर्स, ए हो सकता है, ठीक है, बी वाला, क्योंकि यहाँ पर आइस से रिलेटेड है। देन देखिए ड्यूरी क्रस्ट है, देखिए ऑप्शन नंबर सी पे, तो ये भी नहीं होगा। डी पे देखिए वेरीज, ये भी नहीं होगा दोस्तों। देन आइस सीट, देखिए आइस से हम लोग को दो मिला है, बी एंड ई, देखिए बी एंड ई कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर टू पे, ठीक है, बी एंड ई, आइस कोर्स एंड आइस सीट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दी टेरेस्ट्रियल डिजास्टर। तो टेरेस्ट्रियल डिजास्टर्स को यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कोल्ड वेव्स है, सिस्मिक है, देन कोलिजन ऑफ मेटियोर्स विद द अर्थ, देन सुनामी। तो यहाँ पर मेन जो टेरेस्ट्रियल डिजास्टर्स है वो दोस्तों सिस्मिक यानी अर्थक्वेक, वोल्केनो वगैरह, ठीक है, इसमें आ जाएगा। सुनामी भी आ जाएगा आपका, अर्थक्वेक से ही रिलेटेड है। तो ये दोनों मेन जो है टेरेस्ट्रियल डिजास्टर्स है। तो यहाँ पर देखिए बी एंड डी कहाँ पर है, बी एंड डी देखिए ऑप्शन नंबर फोर पे, ओके। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। यहाँ पर होटलसी का यहाँ पर एग्रीकल्चरल रीजन्स दिया गया है, ओके। तो होटलसी का आपका टोटल 13 टाइप्स एग्रीकल्चरल टाइप्स इन्होंने दिए हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर रीजन्स दिए हैं 13 टाइप्स, याद रखिएगा, ओके। और इन्होंने दिए हैं 1936 में दिए हैं ये कंसेप्ट। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, दो लिस्ट है हम लोग को अरेंज करना होगा, कौन सी लिस्ट के साथ कौन सी जो है कंट्री मैच हो रहा है, कौन सी रीजन के साथ कौन सी कंट्री, ओके। फर्स्ट कमर्शियल डायरी फार्मिंग, ओके, कमर्शियल डायरी फार्मिंग आपका जो है हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड, देखिए यहाँ पर न्यूजीलैंड है, ठीक है। देन डायरी फार्मिंग से याद रखिएगा न्यूजीलैंड ज़्यादा फेमस है। और देखिए कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग हो जाएगा आपका अर्जेंटीना, ग्रेन फार्मिंग। देन नोमैडिक हार्डनिंग यानी हार्डिंग, नोमैडिक हार्डिंग होता है आपका मंगोलिया में, देखिए यहाँ पर मंगोलिया है। देन कमर्शियल प्लांटेशन श्रीलंका, ओके, कमर्शियल प्लांटेशन हो जाएगा आपका श्रीलंका। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3412 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है 3412, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी थ्री, ओके। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में क्या पूछा गया है, इंडियन स्टेट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ रोड लेंथ। तो रोड लेंथ की अनुसार जो है लेंथ के ऊपर, ठीक है, विशेष करके अरेंज करना होगा स्टेट्स को असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब लोअर टू हाई, ओके, कम रोड लेंथ की इसमें साइज से हम लोग को लार्ज साइज में जाना होगा। तो यहाँ पर देखिए गुजरात का सबसे कम होगा और महाराष्ट्र, यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार देखिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड गुजरात है, तो महाराष्ट्र का ज़्यादा होगा, गुजरात का कम होगा। तो डी देखिए सबसे पहले होना चाहिए और सी सबसे लास्ट यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर फोर होगा, ठीक है, इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र का देखिए 623,000, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर मैंने एक कंप्लीट लिस्ट दिए हैं आपको, ठीक है, 2017 का डेटा अनुसार। तो यहाँ पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों ही हैं, पूरा रोड लेन दे दिए हैं, आप लोग यहाँ से स्टडी कर लीजिए, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में काम लग सकता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए टेबल दिया गया था स्टार्स में, ठीक है, सीरियल नंबर, टेम्परेचर एंड दी नंबर ऑफ स्टेशंस। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यार फर्स्ट क्या दिया गया था क्वेश्चन में, व्हाट परसेंट ऑफ स्टेशंस रिकॉर्डेड टेम्परेचर बिटवीन 30 डिग्री टू 70 डिग्री। तो 30 डिग्री से लेके 70 डिग्री तक कौन कितना जो है
स्टेशंस कितना परसेंट स्टेशंस जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पर बेसिकली यार फर्स्ट हम लोग को आइडेंटिफाई ऐड करना होगा, यानी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कितना स्टेशंस है। तो देखिए 30 से लेकर 70 तक, तो चार यहाँ पर है, पाँच, चार और पाँच नौ, नौ और चार 13, 13 और तीन कितना हो गया 16। तो यहाँ पर 16 स्टेशन मिल गया हम लोग को, ठीक है। तो 30 से लेके 70 तक जो है 16 स्टेशन हम लोग को मिला है। तो यहाँ पर या इस बार क्या करना पड़ेगा, तो टोटल स्टेशन कितना है, टोटल स्टेशन यहाँ पर अगर आप ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25 स्टेशन जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है 100%, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 16 स्टेशन कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा है, कितना परसेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 16 इज इक्वल टू यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाय 25 इनटू 16। तो यहाँ पर डिवाइड कीजिए 4 5 से 100, तो 16 इनटू 16, तो 4 16 कितना हो जाएगा 64, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर 4, ओके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है। पेपर वन में भी आप लोग परसेंटेज निकाल, आप लोगों का क्वेश्चन आता है परसेंटेज का, तो आपको सबको पता होगा किस तरीके से जो है परसेंटेज का कैलकुलेशन करता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 में। देखिए यहाँ पर मीडियन वैल्यू निकालना होगा। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीडियन ऑफ अबव द डेटा, ऑफ द अबव डेटा। तो यहाँ पर जो डेटा दिया गया है इनमें से, ठीक है, मीडियन वैल्यू कौन सा होगा, ठीक है। तो यार फर्स्ट देखिएगा, हम लोग को यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन में चलते हैं, यानी इसका सॉल्यूशन में, ये रहा आपका सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं फटाफट। सो दोस्तों यार फर्स्ट हम लोग को देखना होगा मीडियन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर भी मीडियन का फॉर्मूला दिया गया, लेकिन यहाँ पर ढक गया है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी है फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला देखिए, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ, यहाँ पर विदिन ब्रैकेट में होगा ये, डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई, यहाँ पर कोई कोई एच भी लिखता है, ठीक है, कोई नहीं, क्लास इंटरवल होता है ये, ठीक है। तो इसका ये सब चीज़ें क्या है, यहाँ पर दिया गया है एल इज इक्वल टू लोअर एग्जैक्ट लोअर लिमिट एन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज ए वाला है एफ वाला, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऐड करके आपका हो जाएगा 25। देन सी एफ देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, तो यार फर्स्ट हम लोग को मीडियन वैल्यू सिलेक्ट करना होगा। तो मीडियन वैल्यू देखिए फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो रहेगा वही मीडियन वैल्यू हो जाएगा, ये आपका 5, ठीक है। 5 के बाद में देखिए जो है ये जो आपका इस क्लास में हम लोगों को मिला है 15 क्यूमुलेटिव वैल्यू, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग 15 नहीं दे सकते, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू एग्जैक्ट अपर लिमिट होता है, एग्जैक्ट अपर लिमिट देखिए अपर वैल्यू 10 है ना, तो 10 यहाँ पर हो जाएगा 10। देन फ्रीक्वेंसीज हम लोग को 5 मिल गया है, क्लास इंटरवल जो है आपका 10, आपको पहले ही मैंने बताया था कि 10-10 करके इंटरवल है। तो यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर दिया गया है, यहाँ पर देखिए एल इज इक्वल टू कितना हो गया एग्जैक्ट लोअर लिमिट, तो 5 का देखिए लोअर लिमिट कितना है क्लास लिमिट में 40 यहाँ पर ले लिया है। एन बाई टू एन क्या है 25 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर 12.5 हो जाएगा। सी एफ इज इक्वल टू कितना होगा क्लास लिमिट, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो क्लास फ्रीक्वेंसी हम लोग को मिलेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसका जो है ऊपर का जो है वैल्यू हम लोग को लेना पड़ेगा, यानी 10। फ्रीक्वेंसी कितना हो गया हम लोग को 5 मिल गया, ये रहा फ्रीक्वेंसीज। देन क्लास इंटरवल 10 है, अब क्या होगा हम लोग को सब कुछ मिल गया, आप लोग डेटा को यहाँ पर पुट कीजिए, आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। तो एल इज इक्वल टू कितना हो गया देखिए यहाँ पर 40 प्लस एन बाई टू हम लोग को 12.5 मिल चुका है, 12.5 सी एफ 10, तो यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर डाल दिए हैं डिवाइडेड बाई 5 क्यूमुलेटिव सॉरी फ्रीक्वेंसी आपका हम लोग को मिला है 5, तो 5 यहाँ पर डाल दिए हैं इंटू यहाँ पर आई जो है क्लास इंटरवल 10 है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 45 आ जाएगा, ठीक है। तो मीडियन वैल्यू आपका यहाँ पर 45 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वार्टल 3। तो क्वार्टल 3 का भी फार्मूला हम लोगों को यहाँ पर देखिए जानना होगा। तो यहाँ पर देखिए थर्ड क्वार्टाइल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो यहाँ पर जो टेबल दिया गया है इनमें से हम लोगों को क्वार्टल 3 निकालना होगा, ठीक है। तो क्वार्टल 3 का एडवांस हम लोग को फार्मूला जानना होगा।
तो ये रहा आपका फॉर्मूला क्वार्टल का, चारों फार्मूला दिया गया है, क्वार्टल वन का, क्वार्टल टू का, क्वार्टल थ्री का, देन क्वार्टल डिविएशन कैसे निकालता है वो भी फार्मूला दिया गया। लेकिन हम लोग को यहाँ पर हम लोग बेसिकली देखेंगे क्वार्टल थ्री, ठीक है, क्वार्टल थ्री। हम लोग यहाँ पर क्वार्टल थ्री का जो फार्मूला दिया गया, देखिए इस फार्मूला के ऊपर हम लोगों को वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्वार्टल थ्री पूछा गया है, तो देख लेते फटाफट। सो क्वार्टल थ्री का फार्मूला देखिए, क्वार्टल थ्री इज इक्वल टू एल प्लस थ्री एन बाई फोर माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्वार्टल थ्री यहाँ पर देखिए थ्री एन बाई फोर, इसका वैल्यू एट फर्स्ट निकालना होगा, तो थ्री तो आ गया, थ्री एन का वैल्यू देखिए, एन जो है नंबर ऑफ स्टेशन है 25, तो 25 ही यहाँ पर ले लिए हैं डिवाइडेड बाई फोर, ठीक है। तो 18.75 ये हो जाएगा क्वार्टल थ्री का, ये जो मेन वैल्यू है, ठीक है। क्वार्टल थ्री कहाँ पर लाइज कर रहा है, क्लास इंटरवल में, ये सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो देखिए यहाँ पर लाइज कर रहा है, ठीक है, 19 में। तो ये क्लास इंटरवल से हम लोगों को ये वाला सिक्स नंबर पोजीशन से हम लोगों को निकालना होगा, ठीक है। 18.75 वैल्यू जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में 19 में लाइज करना है ना, तो इसलिए ये वाला सिक्स नंबर इस लाइन से हम लोगों को सब कुछ करना होगा, ठीक है। तो ये देखिए यानी एग्जैक्ट लोअर लिमिट हो जाएगा 50, देन सी एफ कितना हो जाएगा, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पर 19 के ऊपर जो वैल्यू मिल जाएगा, जो 15 है यहाँ पर, तो ये 15 हो जाएगा। एफ कितना हो जाएगा, ये हम लोग को एफ मिला है 4 यहाँ पर, प्लस इंटरवल जो हो जाएगा 10। तो इसको आप पुट कीजिए इसमें फार्मूला में, एल इज इक्वल टू कितना हो गया 50, ठीक है। 3n बाई 4 हम लोग को मिला है 18.75, माइनस सी एफ कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 15 है, डिवाइडेड बाई 4 कीजिए तो, और यहाँ पर क्लास इंटरवल 10 हम लोग का पता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस कीजिए, 3.75 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिए, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। 3 × 75 से 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 37.5 हो गया, देन 4 से ये कीजिए, डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पर 9.7375 हो जाएगा, देन इसका आंसर जो है 59.375 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। इसका क्वार्टाइल थ्री का वैल्यू 59.375, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओके। आई होप कि आपको पता चल गया होगा किस तरीके से क्वार्टाइल थ्री निकाला जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 94, द नंबर ऑफ स्टेशंस दैट रिकॉर्डेड टेम्परेचर लेस देन 40 डिग्री, तो 40 डिग्री से कम जो है कितना स्टेशंस टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है। तो ये इसका कोई भी कैलकुलेशन नहीं है डायरेक्ट, ठीक है, आप क्वेश्चंस पढ़ के भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 40 डिग्री से कम टेम्परेचर कितना स्टेशन टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है, तो यहाँ पर 40 से कम, यहाँ ये रहा 40, 40 से कम कितना स्टेशन से, तो हम लोग को यहाँ तक जो है स्टेशन ऐड करना होगा, एक और दो एक कितना हो गया, तीन, तीन और तीन छः और चार, दस, दस स्टेशन है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ओके। दस स्टेशन जो है 40 डिग्री से कम टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है, ओके। तो इसमें तो कुछ फॉर्मूला लगा ही नहीं है, बस ऐसे देख के ही और टेबल देख के आप लोग आंसर लगा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज टेम्परेचर इन द रीजन इज, तो यहाँ पर देखिए एवरेज टेम्परेचर पूछा गया है, एवरेज यानी मीन निकालना होगा, ठीक है। तो मीन का आपका फॉर्मूला पता होगा, मीन का फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग को निकालना होगा, एडवांस हम लोग को टेबल अरेंज करना होगा, ठीक है। तो ये रहा टेबल, तो ये आपका देखिए क्लास लिमिट तो हम लोग को पता है, फ्रीक्वेंसीज भी पता है। यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 10 है ना, ये जो क्लास लिमिट है, यहाँ पर मिड वैल्यू निकालना होगा यानी एक्स निकालना होगा, देन फ्रीक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा यानी एफ एक्स निकालना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फार्मूला जो है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन है, ठीक है। तो एन तो हम लोग को पता है 25 है, तो एफ एक्स निकालना होगा बस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिड वैल्यू निकाल लीजिए फटाफट, 10 0 से लेके 10 के बीच में मिड वैल्यू जो है हो जाएगा आपका 5, 10 से 20 से 15, देन इसके बाद 25, इस तरीके से मिड वैल्यू निकाल लिया। देन आप क्या कीजिएगा, एफ एक्स कीजिए यानी मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से 1 का 5, 15
यहाँ पर देखिए 15 दूना 30, 3 25 75, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके ये जो समेशन एफएक्स हो जाएगा टोटल वैल्यू हो जाएगा 1125। ठीक है, तो समेशन एफएक्स डिवाइडेड बाय एन, 1125 डिवाइडेड बाय आपका जो टोटल एन यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है 25, इसको अगर मल्टीप्लाई यानी कैलकुलेट कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा तो 45 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 45। 45 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2 पे है। ठीक है, तो एवरेज टेम्परेचर कितना होगा? 45 डिग्री। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर स्टार्स का जो है कैलकुलेशन, ये जो क्वेश्चंस था स्टार्स वाला पोर्शन यहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक है, अब शुरू हो रहा है दोस्तों रीडिंग कम्प्रीहेंशन। यहाँ पर रीडिंग कम्प्रीहेंशन दे रहा है, पैसेज दे रहा है। ठीक है, पैसेज आपको एक दे दिया, ये ज्योग्राफिकल थॉट से लिया गया है। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो हम लोग फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। सो देखिए यहाँ पर द यूजफुलनेस ऑफ ज्योग्राफी एज एन यूनिवर्सल साइंस वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड बाई ज्योग्राफी को यूनिवर्सल साइंस अनुसार जो है यानी यूनिवर्सल साइंस रूप में जो है डेमोन्स्ट्रेट किया था हम्बोल्ट एंड रीडर। और हम्बोल्ट और रीडर को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कौन है? आपका हम्बोल्ट एंड रीडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म एंड पॉजिटिविज्म इमर्ज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेटेड हिंदुइज्म बाय। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिविज्म और डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट इमर्ज्ड हुआ था कौन सी एज में, बेसिकली ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों जर्मन एंड फ्रेंच। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वेयर द फर्स्ट टू यूज द वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका एराथोस्थेनिस यूज किया था, ग्रीक स्कॉलर था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ग्रीक स्कॉलर एराथोस्थेनिस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीसेंट डेवलपमेंट इन ज्योग्राफिक स्टडीज। तो ज्योग्राफिक स्टडीज में कौन सी रीसेंट डेवलपमेंट है? इनमें से रीजनल ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी एंड डिटर्मिनेशन एंड पॉजिटिविज्म। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लास्ट वाला पॉजिटिविज्म, जहाँ पर जो है एसर्शंस रीजंस वगैरह यूज किया जाता है, लॉजिक साइंस मैथ फैक्ट्स ये सब चीज़ें जो है दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिविज्म कंसेप्ट में यूज़ किया जा गया था, ताकि ये ज्योग्राफिक स्टडीज़ को और भी डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, ज्योग्राफिकल स्टडीज़ में। देन नेक्स्ट देखिए, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन प्लस शिफ्ट वन का भी यहाँ पर जो है लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर शिफ्ट वन खत्म हो रहा है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 क्या है लास्ट वाला। विच मेजर डेवलपमेंट इन ज्योग्राफिक स्टडीज ड्यूरिंग द रिसेंट पीरियड चेंज द डायरेक्शन इट्स ग्रोथ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सी ऐसी डेवलपमेंट ज्योग्राफिकल स्टडीज में हुआ, यानी ज्योग्राफी में कौन सी मेजर डेवलपमेंट हुआ जो कि ज्योग्राफी का एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट को एक अलग पहचान दिया और डायरेक्शन का पूरा चेंज कर दिया। ठीक है, एक नया मोड़ दिया ज्योग्राफी को। देखिए ऑप्शंस देखे, पैराडाइम है, देन सिस्टम अप्रोच है, देन क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन एंड मॉडल्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, जहां पर दोस्तों क्या किया गया है, डिफरेंट जो स्टैटिस्टिकल मेथड है, मैथमेटिकल मेथड है, देन डिफरेंट लॉज है, यहाँ पर दोस्तों अप्लाइड करके डिफरेंट फार्मूला, डिफरेंट आपका मॉडल्स डेवलप्ड किया गया ज्योग्राफी में, जैसे कि आपका वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, देन क्रिस्टलर का दोस्तों आपका सेंटर प्लेस थ्योरीज, देन वॉन थुनेन का एग्रीकल्चरल डिफरेंट जो आपका कंसेप्ट है। ठीक है, रिकार्डो का डेविड स्मिथ का डिफरेंट जो आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थ्योरीज है। ठीक है, सब कुछ दोस्तों आपका क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशंस के ऊपर बेस्ड है, यानी स्टैटिस्टिकल्स एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट हुआ दोस्तों ज्योग्राफी में क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, ये पूरा ज्योग्राफी को एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट को एक नया मोड़ दिया और अलग पहचान दिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग का लेक्चर सीरीज एंड हो रहा है शिफ्ट वन का। नेक्स्ट जो है लेक्चर अपलोड हो जाएगा शिफ्ट टू का। और मैं आपको बता दूँ, हम लोग का जो ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर शिफ्ट वन शिफ्ट टू और यूनिट वाइज आपका हर एक मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप लोग जरूर वेबसाइट विजिट कीजिए। देखिए हम लोग का जो netsetcorner.com जो वेबसाइट था वो चेंज हो चुका है, लेकिन दोस्तों आप लोग का बहुत सारे कैंडिडेट्स को अभी भी पता नहीं है कि हम लोग चेंज कर लिए हैं वेबसाइट, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो वेबसाइट दिया गया है ज्योग्राफर कॉर्नर.com, अब एट प्रेजेंट हम लोग का ये ऑफिशियल वेबसाइट है,
पहले जो netsetcorona.com था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है, इसलिए हम लोग चेंज कर लिए, यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए, यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट वगैरह मिलता रहता है, आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपको 10 यूनिट मॉक टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट है, आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। बहुत ही एग्जाम पर्सपेक्टिव व्यू में वो बनाया गया है, ठीक है, आप लोग ज़रूर विजिट कीजिए। और SIP 2 दोस्तों बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है, कल से ही शुरू कर देंगे SIP 2, ठीक है, SIP 2 ज्योग्राफी। और आपको मैं बता दूं, एग्ज़ाम के पहले, ठीक है, आपका अगस्त में एग्ज़ाम है ना, अगस्त महीने में, उससे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं, 10 यूनिट आपका जो 10 यूनिट है ज्योग्राफी में, हर एक यूनिट से 50-50 करके एटलीस्ट, ठीक है, या नहीं तो जितना हो सके, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि 50 क्वेश्चंस करके मैं यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चंस भी रिपीट होगा, देख लीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चंस रिपीट होगा, और बहुत जल्द जो है लेक्चर्स आने वाला है 10 यूनिट का, ठीक है। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, हम लोगों का जो चैनल है netsetcorona.com, ये चैनल जरूर भी सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो सीरीज़ जो है वीडियो लेक्चर पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।